अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट गफूर अहमद। आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो, एक न्यू प्रिसन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं ये प्रिसन 10B है। इसमें दो तरह की यहाँ पे कटिंग है। यहाँ पे आपको 125 KDR के प्लॉट्स और 152 KDR के यहाँ पे आपको विलाज मिलेंगे। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या आप प्लॉट लेके अपना घर तमीर करना चाहते हैं या आप 152 KDR का यहाँ पे आप विलाज लेना पसंद करेंगे। तो आज इन दोनों के बारे में आपको स्ट्रीट टूर कराएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलते हैं स्ट्रीट की तरफ। जैसा कि देख सकते हैं, इस वाली स्ट्रीट्स में विलाज ही हैं। ये 152 KDR के विलाज हैं, काम जारी है। इस विलाज में अभी टाइम है, पोजेशन में इसमें मौजूदा अभी यहाँ पे पोजेशन नहीं है, कुछ अरसे में यहाँ पे पोजेशन मिलेगा। तो आपको दूसरी वाली लाइन में लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको मेन बैरियटन गेट से आते हुए कोई 10 मिनट को लगेंगे, तो आप 10B की लोकेशन में आप पहुँच सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाता तो दोनों साइडों पे देख लें आप, यहाँ पे इतने अच्छे विलास यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल पोजेशन तो नहीं है, लेकिन काम काफ़ी तैयारी पे है, जिसको कह सकते हैं कि आने वाले चंद माह में इसका बैरिया पोजेशन दे देगा। तो आज आपको बताएंगे कि इस विलास की मौजूदा प्राइस क्या है और आपको बताएंगे कि प्लॉट लेके अपना घर तमीर करना उसमें क्या फ़र्क है। तो आपको ले चलते हैं प्लॉट वाली स्ट्रीट्स पे, लेके चलेंगे वहाँ पे भी दिखाएंगे कि इस इधर क्या मौजूदा सूरत हाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी राइट साइड पे बैरिया की बाउंड्रीज है, मेरे सामने से आपको 125 KDR का घर नज़र आ रहा होगा। आज आपको बताएंगे यहाँ पे प्लॉट मौजूदा की प्राइस इस वक्त क्या चल रही है। अगर यहाँ पे आप 125 KDR का यहाँ पे प्लॉट लेके अपना अगर घर तमीर करेंगे, तो आपको 125 KDR में जो प्लॉट आपको 25 और 30 के दरमियान में आपको प्लॉट मिलेगा। उस पर अगर आप अपना घर तमीर करवाना चाहते हैं, ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो आपको कोई 60 से 65 के राउंड बाउंड आपका वो ऊपर ख़र्चा होगा। तो ये तकरीबन आपको कोई 95 के दरमियान आपको ये जो अपना 125 KDR का जो है वो घर तैयार हो जाएगा। अगर आप विलाज में जाते हैं, तो विलाज आपको 152 KDR का जो विलाज है, वो जो मौजूदा प्राइस है, वो आपको कोई एक करोड़ से लेके 1 करोड़ 15 की ब्रैकेट में आपको मिलेगा, जिसका पोजेशन होगा। तो इसके बारे में बताता चलूँ, तो मैं अपनी राय देता चलूँ, तो जैसे ही अपना प्लॉट लेके घर बनाना, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो आप अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप अपना घर तमीर करवा सकते हैं। जैसे कि जो बैरिया का जो विलास का डिज़ाइन है, वो तकरीबन सब विलास का सेम है। आप अगर घर में घर अपना बनाना चाहेंगे, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, अपना आर्किटेक्ट के हिसाब से अपना घर तमीर करवा सकते हैं। तो जैसे आप विलाज लेंगे, तो विलाज में तो आपको वो बैरिया के जो डिज़ाइन है उस पर ही आपको जाना पड़ेगा, तो उस पर आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। हाँ, आप अपना प्लॉट अगर 125 KDR का लेते हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से तमीर करवा सकते हैं। बस एक ये फ़र्क है कि अगर आप विलाज लेते हैं, तो उसमें 25 गज़ का इजाफ़ा है। अगर प्लॉट लेते हैं, तो उसमें 25 गज़ आपको कम प्लॉट पे मिलेगा। यहाँ पे आपको 25 KDR का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस एक बात है, 125 KDR में अगर आप
घर तमीर खुद करवाती हैं ना, तो वो एक बहुत अच्छी चॉइस है। तो मेरी जो राय है ना, मेरी राय तो ये है कि आप अगर अपना प्लॉट लें, अपने प्लॉट पे खुद कंस्ट्रक्शन करवाएं, खुद काम करवाएं, वो बहुत ही बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि वो एक अच्छा घर तमीर हो जाएगा। आप उसमें सारी सहूलतें यहाँ पे स्टेशन में मौजूद हैं। तो मेरी राय तो यही है कि आप अपना इधर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का प्लॉट लें और प्लॉट लेके अपना घर तमीर करवाएं। अगर आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप बेशक विलास ले लें। विलास जो इस वक्त रेडी हैं और पोजेशन वहाँ पे अभी नहीं है, तो जो जिस स्ट्रीट पे आपको लेके फिरते हैं यहाँ पे, अगर आप प्लॉट लेते हैं इसमें पोजेशन मौजूद है, आप अपना प्लॉट लेके खुद तमीर करवा सकते हैं। इस पेशन के बारे में या बैरियर टाउन कराची के बारे में कोई भी आपको मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे प्रॉपर्टी एक्सचेंज के पैनल से रब्ता कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।